தம்பி இன்னும் ரெடி ஆகலையா? எல்லாரும் ஆர்வமா இருக்காங்க. அத விட ஆர்வமா இருக்கு. அன்எக்ஸ்பெக்டடா இருக்கு. விடு दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार सूर्या, जिन्होंने जय भीम और सूर्य राठौर जैसी दो बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्में ओटीटी पर दे दी हैं, जिसके चलते सूर्या सर की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सूर्या सर की आने वाली फिल्म है ईटी, जिसके लिए लोगों के बीच में बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, खासकर नॉर्थ इंडियन लोगों के बीच में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस फिल्म को रिलीज किया जाना है 10 मार्च को, यानी कि इस फिल्म को अब रिलीज होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये तक पता नहीं है कि सूर्या की फिल्म ईटी, जो कि पैन इंडिया रिलीज हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, ईटी फिल्म को 10 मार्च को वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा, जिसका हिंदी में टीजर भी अवेलेबल है और इस टीजर को सन मराठी टीवी पर रिलीज किया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हो। आप में ऐसा बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ईटी फिल्म का क्रेज बिल्कुल भी नहीं है। इसकी पीछे की वजह ये है, इस फिल्म का टीजर रिलीज किया है जिस पर हिंदी में व्यूज मुश्किल से 5 लाख आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी टीजर में लगभग 10 दिनों में व्यूज आए हैं 5 लाख, जो कि कितनी ख़राब बात है। मतलब कि एक हिंदी टीजर में, इतनी बड़ी फिल्म के टीजर में सिर्फ 10 लाख व्यूज, ये बात आप लोग खुद सोच सकते हैं कि सूर्या कितने बड़े सुपरस्टार हैं, जिन्होंने सूर्या राठौर और जय भीम से हिंदी में बहुत ज़्यादा फैन बेस बना लिया है। लेकिन उनकी आने वाली फिल्म ईटी के हिंदी टीजर में सिर्फ 5 लाख व्यूज, ऐसे देखने के बाद मेरे होश उड़ रहे हैं। और आप लोग इस बात को सुनने के बाद चौंक गए होंगे कि उनकी फिल्म के टीजर पर सिर्फ 5 लाख व्यूज। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस फिल्म का ट्रेलर भी 2 मार्च को 11 बजे आने वाला है। आप लोगों को उसमें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म के ट्रेलर को जरूर देखना, ताकि इस फिल्म का हिंदी में काफ़ी ज़्यादा बस बन जाए। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, इस फिल्म की मेकर्स हिंदी में बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहे, मतलब कि ना के बराबर, जिसकी वजह से इस फिल्म का हिंदी में क्रेज़ भी कम बना हुआ है। अगर इस फिल्म के मेकर्स हिंदी में अच्छे से प्रमोशन कर दें तो ये फिल्म हिंदी में बहुत अच्छी कमाई कर सकती है। फिर भी दोस्तों, आप लोग कमेंट कर बताना कि इस फिल्म का कलेक्शन कितना आएगा।